वेलकम बैक बेटा। सो स्टूडेंट्स, एज इन आवर लास्ट क्लास आई हैड टोल्ड यू दैट इन आवर नेक्स्ट क्लास वी विल मीट विथ सम न्यू एडेप्टेशन। सो टूडे आई एम हेयर विद यू एडेप्टेशंस टू हॉट एंड वेट क्लाइमेट्स। क्लियर? यानी आज हम लोग बात करेंगे ऐसे एडेप्टेशंस की जो हॉट एंड वेट क्लाइमेट्स में पॉसिबल होता है फॉर सर्वाइवल। क्लियर? ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट बेटा। तो ट्रॉपिकल रीजन जो होता है बेटा, ये कहाँ होता है? इट इज नियर इक्वेटर। गॉट इट? नियर इक्वेटर होने की वजह से यहाँ का क्लाइमेट कैसा होता है? हॉट एंड वेट क्लाइमेट। क्लियर रहेगा इतना? नाउ सी, सेकेंड थिंग जो है, यहाँ का जो अब हॉट एंड वेट क्लाइमेट है तो कैसा है? यहाँ का रेन फॉरेस्ट यहाँ पे पाया जाता है जो कि बहुत ही डेंस है। ठीक है, बहुत ही डेंस होता है। डेंस होने की वजह से क्या होता है बेटा, वहाँ पे बहुत सारे एनिमल्स होते हैं। ठीक है, वाइड वैरायटी ऑफ एनिमल्स। क्लियर? अब ऐसा इसलिए भी होता है क्योंकि यहाँ का क्लाइमेट जो होता है हॉट एंड वेट कह सकते हैं, तो हम उसे बोलते हैं वार्म क्लाइमेट। ठीक है, तो यहाँ पे जो कॉन्स्टेंट सप्लाई ऑफ वाटर और वैरायटी ऑफ फूड भी अवेलेबल है क्योंकि डेंस रेन फॉरेस्ट है। ठीक है, तो अब क्या हो गया? डेंस रेन फॉरेस्ट हो गया, वार्म क्लाइमेट हो गया यहाँ का, यहाँ पे बहुत सारे एनिमल्स भी, वाइड वैरायटी ऑफ एनिमल्स भी है, कांस्टेंट सप्लाई ऑफ वाटर एंड फूड भी है। तो क्या होता है, जब ज़्यादा लोग होते हैं तो उनके बीच में क्या होता है, फूड एंड सर्वाइवल के लिए कंपटीशन होता है। ठीक है, तो इसी तरह से यहाँ पे भी क्या है, जितना वैरायटी ऑफ फूड अवेलेबल है, वैरायटी ऑफ एनिमल्स अवेलेबल है, लेकिन फिर भी क्या है, एक इंटेंस कंपटीशन रहता है वहां पे। ठीक है, फॉर सर्वाइवल। अब बेटा बात करते हैं कुछ एनिमल्स जो वहां पाए जाते हैं, लाइक रेड आइड फ्रॉग एक होता है जिसके पैड्स जो होते हैं उनके पास स्टिकी पैड्स होते हैं इनके पैरों में, जैसे पैर है तो उसमें क्या होता है, स्टिकी पैड्स, कुछ ग्लू जैसा स्टिकी वहाँ से रिलीज होता रहता है, और उसकी वजह से ये क्या कर सकते हैं, हेल्प्स टू क्लाइंब अपॉन ट्रीज, मीन्स फ्रॉग ट्रीज पे चला जाता है, ट्रीज पे रह सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है बेटा हमारा लॉयन टेल्ड मैकू। ये बियर्ड एप भी हम लोग इसे बोलते हैं, और ये बहुत ही अच्छा क्लाइंबर होता है, ये पेड़ों पे रहता है। ठीक है, टॉकन होता है, टॉकन क्या करता है, इसकी लॉन्ग टेल्स होती हैं और ये फ्रूट्स तक, टेल्स के थ्रू फ्रूट को क्या करता है, अपने पास ले आता है जिसे ये ईट करता है। और ये बेटा जैसे कि जो जिन फ्रूट्स तक अदर एनिमल्स नहीं पहुंच पाते, ये वहाँ तक भी पहुंच पाता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये अपनी टेल के थ्रू उनको फ्रूट्स को प्लक करता है और ऐसी ब्रांचेस तक भी पहुंच जाता है जहां पे दूसरे एनिमल्स अगर पहुंचे तो शायद वो ब्रांचेस ब्रेक हो जाएंगी, टूट जाएंगी। क्लियर? जैगुआर, जैगुआर बेटा इसकी स्किन जो होती है स्पॉटेड होती है, जिसकी वजह से ये क्या करता है, जब स्पॉटेड स्किन है तो वहां पे क्या करता है, ये छिप जाता है। ठीक है, स्पॉटेड स्किन होने की वजह से ये इजिली वहाँ के जो छोटे छोटे श्रब्स हैं उनमें ये छिप जाता है, और छिपने के बाद ये क्या करता है, ईजिली हंटिंग कर सकता है। ठीक है, ये शिकार कर लेता है और अपने लिए फूड अवेलेबल कराता है। ठीक है, नाउ बेटा अब हम बात करेंगे एलिफेंट्स की। एलिफेंट्स में क्या है, स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ स्मेल, यानी इनकी जो स्मेलिंग कैपेसिटी होती है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग होती है। क्यों स्ट्रॉन्ग होती है बेटा, बिकॉज लॉन्ग ट्रंक एज अ नोज, बिकॉज ये क्या करते हैं, इनके पास नोज के फॉर्म में क्या है, एक लॉन्ग ट्रंक है। क्लियर? अब ये ट्रंक का यूज करते हैं फूड को पाने के लिए भी। ठीक है, फूड ऑब्टेन करने के लिए भी, ये जैसे बहुत से ऊंचे पेड़ हैं उनको प्लक कर लेते हैं, या छोटे मोटे जो पेड़ हैं पत्ते हैं लीव्स हैं उनको ये प्लक कर लेते हैं। ठीक है, टस्क टू टीयर द बार्क्स ऑफ द ट्री। टस्क जो होती है इनके, जिसको हम लोग कह सकते हैं जो बाहरी दिखावे वाले दांत हैं, ठीक है, उसकी हेल्प से ये क्या करते हैं, बार्क्स यानी ट्री को क्या कर सकते हैं, ये एक तरह से फाड़ सकते हैं। ठीक है, लार्ज ईयर्स कैन हियर सॉफ्ट साउंड,
और इनके पास जो बड़े कान होते हैं एलिफेंट्स के पास, उनकी वजह से ये क्या कर सकते हैं, कितना भी सॉफ्ट वॉइस क्यों ना हो, कितना भी सॉफ्ट साउंड क्यों ना हो, सॉफ्ट मीन्स धीमी आवाज़, ठीक है, जिसे हम नहीं सुन सकते हैं, दे कैन हियर दैट साउंड ईजिली। क्लियर रहेगा बेटा? सो स्टूडेंट्स, दिस इज ऑल अबाउट चैप्टर नंबर 9, ठीक है, ये आपका लास्ट टॉपिक था चैप्टर नंबर 9 का। आई होप ऑल ऑफ यू हैव अंडरस्टूड इट इन अ बेटर वे, एंड इफ स्टिल यू हैव एनी काइंड ऑफ कन्फ्यूजन और डाउट, यू कैन आस्क मी। ओके बेटा, सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।